कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर कोलकाता हाई कोर्ट ने आज 21 अगस्त को सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणमन ने और न्यायमूर्ति एस भट्टाचार्य की खंडपीठ ने की है। इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिस पर कोर्ट ने कहा आप इसको अपने पास रखिए और आप चुप रहिए, क्योंकि मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। वहीं सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अस्पताल की सुरक्षा CISF के हवाले कर दी गई है। वहीं कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जताई है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी। वहीं सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा न्यायिक अनुशासन के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। CISF की नियुक्ति पर ध्यान दिया गया है। CBI और राज्य द्वारा 22 अगस्त तक रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं पीड़िता की पहचान उजागर होने पर हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा हमने अपने पिछले आदेश में तस्वीरें अपलोड न करने का अनुरोध किया था। यदि आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय देखते हैं तो पीड़िता की पहचान उजागर न करने का एक सकारात्मक निर्देश है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दुर्भाग्य से पीड़ित दोस्तों के पास पुरानी तस्वीरें हैं और वही प्रसारित कर रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने आगे कहा हमने पीड़िता के माता पिता का नाम छिपा दिया है, आपने इसका जिक्र नहीं किया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा एक चीज जो की जा सकती है वह यह है कि अदालत सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध कर सकती है कि वह स्वयं यह प्रसारित करें कि पीड़ित और परिवार की पहचान उजागर न हो, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा ही करेंगे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।